नमस्कार दोस्तों, मैं वीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों सिंगल फेज की जितने भी मोटर होती है उसमें कैपेसिटर की क्यों आवश्यकता होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कैपेसिटर लगा होता है दोस्तों वो सिंगल फेज की मोटर में लगा होता है, ना कि थ्री फेज के मोटर में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगल फेज की मोटर में कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों कैपेसिटर के हम बारे में बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटर दोस्तों एक ऐसा काम करता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको मतलब स्टोर करके उसको छोड़ता है बाद में, ठीक है। जैसे कि दोस्तों उस पर दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हमारा फेज जाता है उसको स्टोर करके दोस्तों ये बाईपास करता है, इसका काम दोस्तों यही होता है, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले हम समझ लेते हैं जो भी हमारा जो फैन होता है या फिर हमारा जैसे कोई मोटर होती है सिंगल फेज की वो किस प्रकार से वर्किंग करेगी अगर कैपेसिटर हम नहीं लगाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारी मोटर होती है उसके अंदर जो कोयल बनी होती है, ये सिंपल सी बात है दोस्तों, कोयल हमारी बनी होती है और कोयल दोस्तों किसी एक मेटल पर बनी होती है, ठीक है। जैसे लोहे के किसी भी मेटल पर बनी होती है तो कोयल वो इसी प्रकार से बनी होती है। इसके अलावा दोस्तों हम न्यूट्रल फेस अगर इसमें दे, ठीक है, न्यूट्रल और फेस है ना, तो हमारे मोटर में क्या क्या होगा, ठीक है। तो आप समझ लेते हैं दोस्तों एक वायर की तरह। तो दोस्तों ये वायर है ना, और इस वायर में दोस्तों जैसे ही मेरा वोल्टेज जाता है तो मेरा करंट भी है ना फ्लो होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ साथ में जो हमारे आस पास है जो मैग्नेट उत्पन्न होता है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ठीक है, जो ज़्यादा इकट्ठे आप वार करोगे इकट्ठे कोयल के रूप में तो वहाँ पे मैग्नेट आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो मैग्नेट का मतलब दोस्तों जैसे कि आपकी मैग्नेट हो गया है ना, ठीक है, ये आपका मैग्नेट हो गया। तो दोस्तों मैग्नेट में एक तरफ एन और एक तरफ एस होता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा या फिर जानते भी हो गए आप लोग। तो दोस्तों इसमें एन एस क्यों होता है दोस्तों, जो ये एन है दोस्तों जो, ठीक है, तो एन को एन भगा देता है, ठीक है, क्योंकि और एन एस को एस मतलब आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों कोयल पे, जैसे कि दोस्तों मेरा ये कोयल बन गया, ठीक है, जैसे कि दोस्तों मेरा ये कोयल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों रोटर है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मेरा कोयल पे जो बनता है मैग्नेट वो दोस्तों बिना कैपेसिटर के यहाँ पे दोस्तों एन बनता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये थोड़ा आगे यहाँ तक जाता है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एस बन जाता है, तो ये क्या वापस आ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब आपकी जो मोटर होती है वो हैमिंग मारती है वो इसी कारण मारती है दोस्तों, उसमें कैपेसिटर कमी होती है, ठीक है, या फिर वो ठीक रूप से मैग्नेट नहीं बना पा रही है कोयल, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब चाहे यहाँ पे एन बन रहा है तो दोस्तों ये इतना आगे जाने के बाद में थोड़ा सा उसके बाद तुरंत एस बन जाता है तो ये इसको वापस खींच लेता है। जबकि दोस्तों कैपेसिटर लगने पर हमारा जो कैपेसिटर है वो टू फेज की तरह वर्क करता है, क्या करता है दोस्तों टू फेज की तरह वर्क करता है। तो टू फेज की तरह वर्क करता है दोस्तों, जब हमारा जब एन बनता है यहाँ पे तो वो दोस्तों टू फेज की तरह वर्क करता है। तो एक तो उसका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इस डायग्राम के द्वारा, देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि दोस्तों टू फेज की तरह वर्क करेगा दोस्तों मेरा जैसे कि वोल्टेज मेरा ये चलेगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा दोस्तों कैपेसिटर आपको करंट को फ्लो करेगा थोड़ा बाद में, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों जैसे मेरा ये एन बना यहाँ पे, फिर मेरा यहाँ एन बनेगा, फिर मेरा यहाँ एन बनेगा, फिर मेरा यहाँ एन बनेगा, ठीक है, और इसके जो साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आगे आगे एस बनता रहेगा। तो ये क्या इसको हमारा इस तरफ खींचता रहेगा है ना, और ये दोस्तों ये मतलब स्पीड इसकी इसी तरह से आरपीएम इसका बनता है, ठीक है, इसका ये फॉलो इसको करता रहता है एन एस को और एस एन को फॉलो करता रहेगा। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा जो हमारी जो मोटर है वो रोटर कर जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए हम स्टार्टर का कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारा जो स्टार्टिंग का कैपेसिटर है वो यूज किया जाता है क्योंकि वो इसी सर्किल को बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ जो आपकी जो मोटर होती है ना, कोई सी भी मोटर हो सिंगल फेज की, वो क्या करती है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त करती है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोस्तों क्या देती है दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी देती है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम जो उसकी जो मोटर होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में यूज देते हैं। पंखा होगा दोस्तों तो पंखा हवा के रूप में देता है, ठीक है। तो दोस्तों मोटर होगी तो वो किसी मशीन मैकेनिकल को चलाने के काम आती है, तो इसीलिए दोस्तों वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त करती है और मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हमें प्राप्त करती है, ठीक है दोस्तों।
अब बात ये होती है दोस्तों कि हमें कितने माइक्रोफराइडे का कैपेसिटर लगाना होता है, ठीक है, कितने माइक्रोफराइडे का कैपेसिटर लगाना रहता है कि किस मोटर में, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, कैपेसिटर के लिए चार्ट के रूप में वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना एचपी के लिए इतना मोटर कैपेसिटर स्टार्टिंग का रनिंग का है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों जो आपको ये कैपेसिटर का निकालना होता है इसका, तो दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं हम कैपेसिटर स्टार्टिंग हो या फिर कोई सा भी, तो दोस्तों ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।